और ये वीडियो है संडे का, जो कि मैं अपने दोनों बच्चों के नाखून काटती हूँ हर संडे को। और केशव ने आपसे हाय हेलो भी कर लिया है, और केशव कभी भी प्यार से नाखून नहीं कटवाता, हमेशा ज़बरदस्ती ही काटने पड़ते हैं इसके। तो कितना नौटंकी करता है, हर चीज़ में ड्रामा इसे चाहिए, हर चीज़ में मजाक सूझता है इसे। तो देखो कैसा कर रहा है। तो मैं दोनों बच्चों के नाखून काट देती हूँ, बस मैं अपने नाखून नहीं काटती भाई, मुझे नहीं अच्छा लगता वो नाखून काटना। फिर मुझसे वो होता है ना खुजाना, वो नहीं होता, फिर वो बड़ी दिक्कत हो जाती है, और मेरे सर में बहुत खुजली मचती है तो वो नहीं हो पाता। और ये वीडियो है सोमवार की शाम का वीडियो है, जो कि रजनी लेकर आई है एलोवेरा और घर में लगाने के लिए। हमारे घर में था पहले, लेकिन ख़राब हो गया है, बेकार हो गया था, वो फेंक दिया है, तो नया एलोवेरा आया है वही लगाया जा रहा है यहाँ पर। इसके जो आगे का वीडियो आएगा वो आएगा मंगलवार का, पूरा वीडियो फिर मंगलवार का होगा वो। और खाने की थाली लग गई है, तो आप सब भी खा लीजिए। और बैंगन आलू की सब्ज़ी है, चावल है, रोटी है, प्याज है, और मुझे बैंगन आलू की सब्ज़ी बहुत अच्छे लगते हैं चावल। अब इसके आगे मैं आपको दिखाती हूँ कपड़े, और नकुल आपको हाय हेलो कर रहा है, और ये कपड़े कौन लेकर आया है, कहाँ से आए हैं ये भी बताऊँगी मैं, जो कि नकुल ने आज पहन लिए हैं। तो कैसे लगे ये कपड़े बताना मुझे, आगे और बच्चों के कपड़े दिखाऊंगी मैं। और ये है प्रतीक के, जो कि मेरी सबसे छोटी वाली जो देवरानी है उसके बेटे के हैं ये, तो मुझे बताना कैसे लगे ये और कौन लेकर आया ये भी बताऊंगी मैं आगे चलकर। ये इस तरीके से कटिंग हो रही है, और कोटी वाले कपड़े हैं, और इसकी ये वाली जो पैंट है ये, इसकी पैंट अच्छी लगी मुझे, तो पैंट भी ठीक ठाक है, अच्छी है। तो ये देखिए इस तरीके से पैंट सिंपल है, बिल्कुल अच्छी लगी पर मुझे। तो चलिए और आगे दिखाती हूँ कपड़े। और ये कपड़े हैं आयुष के, जो कि रजनी के बेटे के हैं, बहुत ही प्यारी लगे ये कपड़े, सच्ची में बहुत ही अच्छे लगे मुझे ये। और केशव से छोटा है, लेकिन केशव और आयुष दोनों बराबर के लगते हैं, तो पता ही नहीं चलता कौन छोटा है कौन बड़ा है, लेकिन केशव बड़ा है और आयुष छोटा है। तो कैसी लगी, और पैंट इसकी सादा सिंपल है तो अच्छी लगी, ठीक ठाक है। और इसके जो कपड़े हैं वो भी बहुत अच्छे थे, तो आप बताना कौन से कपड़े अच्छे लगे ज़्यादा। अभी केशव के भी कपड़े दिखाऊंगी मैं। तो ये केशव के कपड़े हैं, और प्रिंटेड है इसकी पैंट, डिजाइन वाली है, तो मुझे बताना कैसे लगे। और टी शर्ट बिल्कुल सादा सिंपल है, और ये कपड़े कौन लाया है, कहाँ से आए हैं, तो बताती हूँ मैं। आरती दीदी लेकर आई हैं, ये दिल्ली से कपड़े आए हैं बच्चों के लिए, चारों बच्चों के लिए एडवांस में, जन्मदिन गिफ्ट है ये, तो कैसे लगे बताना मुझे एक बार। और यहाँ पर मेरी हो रही है खोचड़ी, जो कि मजाक उड़ाया जा रहा है मेरा यहाँ पर। और ये सामने वाली दीदी हमारी पड़ोसन, और ये आरती दीदी है, अब मैंने आपको मिलाया है इन्हें, अब फुर्सत मिली है, वैसे तो फुर्सत ही फुर्सत है, फिर भी कैमरे में अब मिली है ये आपको। और मेरा कितना मजाक उड़ाया जा रहा है, किस बात पर उड़ाया जा रहा है। और पिंकी दीदी भी बैठी, वो कह रही मैंने तो नहीं उड़ाया, यहाँ पर उड़ाया जा रहा है कोरोना के पीछे, जो कि इतनी बीमारी चल रही थी। और मैंने, इन्होंने मुझसे एक बार बोला था सब ने कि चलो मार्केट चलते हैं, तो मैंने मना कर दिया था, मैं नहीं जाऊँगी क्योंकि बीमारी इतनी फैल रही है, उसके वजह से मजाक उड़ाया जा रहा है मेरा। ये सामने वाली दीदी कह रही है ज्योति को कहीं मत ले जाना, इसे कोरोना लग जाएगा, इसे कहीं मत ले जाना, इसे तो कोरोना लग जाएगा, ये तो मर जाएगी कोरोना में। और आप लोग ये बताना ये क्या चीज़ है, हमें नहीं पता सच्ची में ये क्या है, लेकिन बड़ी दीदी जब हमारी सुबह पार्क गई थी तब वहाँ पर मिले थे उन्हें, ज़मीन में नीचे गड़े हुए, तो बताना क्या है। पर लेकिन बताते हैं कि इसकी सब्ज़ी बनती है, मुझे नहीं पता और हमारे घर में किसी को नहीं पता। अगर आपको पता होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना क्या है ये। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माई चैनल ज्योति राठौर आगरा ब्लॉगर में। और अब आदत पड़ गई है मुझे ब्लॉगर बोलने की, पहले क्या बोलती थी ब्लॉग, अब ब्लॉगर आदत पड़ गई है मुझे। और अभी आपने सपने देखा होगा कितनी खिंचाई हो रही थी मेरी, वो भी बता दिया किस बात के ऊपर हो रही थी। और टाइम बता देती हूँ मैं, 5:45 हो रहे हैं अभी, और तारीख आज है, मैं तारीख बता भूल जाती हूँ बताने के लिए, 25 अगस्त है और दिन है मंगलवार। तो मतलब खाना पीना मैंने इसलिए नहीं दिखाया कि आपको पता ही होगा कि मैंने क्या बनाया था, थाली लगाकर ही दिखा दी थी, बस बनाकर नहीं दिखाया कि क्या बनाया है मैंने, सिंपल सादा सिंपल सा खाना बनाया था बस। तो और ये तो सबको ही आते बैंगन आलू, तो हर किसी को आते हैं बनाने, तो क्या सिखाओ फिर, क्या बताओ। और किस बात के ऊपर खिंचाई हो रही, हाँ ये बताऊँ मैं कि अभी इतनी बीमारी चल रही थी कि शायद अब तो इतनी भी नहीं है, पहले इतना डर था बीमारी का, इतना डर था कि हम अपने दरवाजे के बाहर खड़े होते थे तब भी सोचते थे कि कहीं बीमारी ना हो जाए, सच बताऊं तो। अब नहीं है इतनी, होगी पर लेकिन लोग बाग अब नहीं मान रहे हैं।
तो क्या होता था कि जैसे कि मेरे घर में से किसी ने बोला कि चलो बाज़ार चलते हैं, मार्केट चलते हैं, तो मैं क्या कह देती थी, मैं नहीं जा रही भाई, बीमारी बाहर बहुत हो रही है, तो नहीं जाती थी। और मतलब सामने से कोई एक सामने वाली दीदी हैं, वो भी एक बार आई थी, जब भी मैं उनसे बोल रही थी कि तुम बाहर घूमने जाती हो, बाज़ार जाती हो, मत जाया करो, बीमारी इतनी फैल रही है, तो वो बस उसी के बारे में बात चल रही थी। वो कह रहे थे ज्योति को ही जल्दी लगेगा कोरोना, ज्योति को ही जल्दी लगेगा कोरोना, इससे दूर हो जाओ भाई, ज्योति को कोरोना लग जाएगा, इस बात से खिंचाई चल रही थी। तो मैंने कहा कि हाँ भाई, जब चल रही थी बीमारी तो चल रही थी, सही बात है, तो डर है भाई, कोई भी हो डर तो लगेगा ही, तो इसीलिए खिंचाई चल रही थी। और हम जरा मथुरा जाने की प्लानिंग कर रहे थे, आरती दीदी ने अपने बेटे के ऊपर बोल दी थी मथुरा जाने की, तो उन्होंने एक गलती कर दी, क्या की है कि मेरे साथ और रजनी के साथ जाने के लिए बोला है उन्होंने, उन्हें नहीं बोलना चाहिए था ऐसा, कि मतलब मैं इन दोनों को लेकर ही जाऊंगी, पता नहीं हम जा भी पाएंगे या नहीं जा पाएंगे। तो फिर मैं उनसे ये बोल रही थी, अगर आपने अपने बेटे के ऊपर बोली है तो भाई जल्दी कराओ, आप समझते हो कि किस बात के ऊपर बोल रही हूँ मैं, होता है घर गृहस्थी में थोड़ी बहुत तो वो होते हैं ना, बर्तन होते तो खटक ही जाते हैं, तो मैं उनसे बोल रही थी जो अपनी मन्नत है पूरी कर लो पहले। तो वो कह रहे कि चलो ठीक है चलेंगे, तो हम लोग प्लानिंग कर रहे थे कब जाएंगे, और कोई कह रहा है मथुरा खुला हुआ है, कोई कह रहा है मथुरा बंद है, मथुरा वृंदावन मंदिर, कोई कह रहा बंद है, तो समझ में नहीं आ रही कि क्या है क्या नहीं है। और हमने फ़ोन करके भी पूछी थी, और कोई रहता भी नहीं है कि वहाँ से हम पूछ लें मतलब कि खुला है या नहीं खुला है, समझ में नहीं आ रहा। एक मेरी फ्रेंड है तो उनसे भी बात नहीं हो पा रही है, ना तो वो वीडियो पे आ रही है, ना ही तो एलवी पे आ पा रही हैं, तो नहीं पूछ पाया, नहीं तो मैं पूछती फिर। तो देखते हैं कब जाते हैं कब नहीं जाते, अगर जाते हैं तो आप सबको तो लेकर ही जाएंगे साथ में। और इसी के बाद के पीछे हो गई थी, तो बोल रहे थे ज्योति को मत लेकर जाइए, इसे कोरोना लग जाएगा, इसे लेकर ना जाना, इसे कोरोना लग जाएगा। तो मैं तो बोल रही थी कि मुझे कोई शौक नहीं है जाने का बाहर घूमने का, इस टाइम में इस बीमारी में, सच बोलूँ तो सच्ची में मुझे बिल्कुल शौक नहीं है, ना है तो मार्केट जाने का शौक है, और बताओ इससे बड़ी क्या बात होगी एक औरत के लिए कि वो अपने मायके तलक नहीं गई, बताओ है ना, अपने मायके तलक नहीं गई, उसके पापा इतने बीमार है, वो अपने पापा को देखने नहीं गई इस बीमारी में, तो इससे बड़ी क्या बात हो सकती है, मार्केट और कहीं घूमना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। और एक औरत सबसे पहले बच्चे के बारे में सोचती है, उसके बाद कोई आता है, जैसे कि पहले बच्चे आएंगे फिर उसके बाद मायके वाले या ससुराल वाले आते हैं, तो सबको ही पता है कि पहले बच्चे के बारे में सोचता है। और माँ तो भाई सोचती है, सही बात बताऊँ तो, कोई सोचे या ना सोचे औरत को तो लगती है बच्चे के बारे में। और मैं सच बताऊँ तो बच्चों के बारे में ही, बच्चों के वजह से ही नहीं मायके जा पाई, क्योंकि फिर मुझे लगा कि मतलब इतनी दूर जाओ टाइम तो लगेगा, दो चार दिन रुकने का भी टाइम होता अगर छोड़ के जाओ तो, अगर ये आया फिर तो ये कहोगे आप एक रात रुक कर आओ तो बच्चे छोड़ जाओ, तो कोई टेंशन नहीं है, अगर दो चार रात रुकना पड़ता है तो टेंशन होती है बच्चों की, घर में इतने सारे लोग हैं फिर भी लगती है मतलब चिंता तो होती है बच्चों के बारे में। तो मैं इसीलिए नहीं जा पाई, और सबको पता है कि बीमारी तो बच्चों के लिए बड़ों के लिए कितनी भयंकर है, इसलिए नहीं जा पाई। मैंने कहा कोई बात नहीं, अगर मैं पापा के पास नहीं जाऊंगी, अगर उनके हालचाल फ़ोन से लेती रहूंगी तो कुछ नहीं होगा, अगर मैं चली भी जाऊंगी तो मैं क्या कर लूंगी, कुछ नहीं है ना, कुछ नहीं, मैं ठीक तो कर नहीं दूंगी उनको, बस एक अंदर से वो होती हैं कि अपनापन होता है, अगर चले जाते तो दिल को तसल्ली मिल जाती है बस, तो नहीं जा पाए तो नहीं जा पाए। और रही मायके जाने की, मतलब रक्षाबंधन पे तो हर साल आते हैं, बीमारी तो ज़रूरी नहीं है कि हर साल आई या टिकी रहे, आई है तो जाएगी तो है ही वो, और रक्षाबंधन तो हर साल आता है, फिर कभी हो जाएंगे कोई बात नहीं। और मुझे कल पूरा एक साल हो जाएगा, 26 तारीख को, मैं 26 तारीख को ही अपने मायके गई थी, और 26 तारीख को पूरा एक साल हो जाएगा नहीं जा पाई मैं, और 26 तारीख को मेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया था, मैं उन्हें देखने गई थी, इसीलिए नहीं जा पाते, नहीं तो नहीं जा पाती फिर मैं। और मुझे बताना कि मैं आगे वीडियो किस टॉपिक के लिए बनाऊँ, मैंने सोचा है कि मतलब मैं अपने बारे में बातें बताऊँगी, पर्सनली जो होती है जैसे कि अपने बारे में बातें शेयर करो, तो आप मुझे बताना कौन सी बातें सुनना पसंद करोगे, मायके के पहले की, मतलब शादी से पहले की, शादी के बाद की, तो मैं बताऊँगी आपको। कबूतर आके बैठ गए मेरी खिड़की पर, तो मुझे बताना कौन सी बातें शेयर करो मैं, ठीक है, शादी से पहले की या शादी के बाद की, तो वही बताऊँगी मैं। तो चलिए फिर वीडियो को कर देते एंड, और कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय बाय।